नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। तो अभी हाल फिलहाल में एसएससी सीपीओ का फॉर्म आया हुआ था, काफी लोग डाले होंगे। तो आपको हम बता दें कि अगर कोई भी फॉर्म डाल रहे हैं, किसी का भी अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसी बात पे आज हम लोग एसएससी सीपीओ जो कि अभी फॉर्म आया है उसके अकॉर्डिंग एसएससी सीपीओ का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, एक एक चीजें डिटेल में जानेंगे। बस आप आराम से बने रहें, ठीक है ना? बाकी इसमें और कुछ नहीं है, यही जानना है कि हम सिलेबस जानेंगे। आपको बता दें कि एसएससी सीपीओ से आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, आपके कंधे पे दो सितारा लगता है डायरेक्ट, या तो आप आर्म्ड फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सब में बनते हैं। अगर टॉप रैंकर रहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस में बनते हैं। अगर दिल्ली पुलिस मिल जाता है तो फिर समझ लीजिए सोने में सुहागा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एसआई का जो जॉब है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का है और आपको दिल्ली में ही रहने को मिल जाएगा। तो सोचिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो एसएससी सीपीओ का जो जॉब है वो एक बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका और बहुत ही मस्त है। बाकी अगर आप उससे नीचे आते हैं, सीआई से, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में आप एसआई बनते हैं। एसआई बनते हैं तो मतलब कि डायरेक्ट आपके कंधे पे दो सितारे लग जाएंगे, ठीक है? तो इसका सिलेबस आज हम डिटेल्ड वे में जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। बाकी आपको बता दें कि इसका जो इन हैंड सैलरी है, ग्रॉस सैलरी करीब 50,000 बनता है, जिसमें से इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में फर्स्ट मंथ से ही 41,000-42,000 के आसपास आपके अकाउंट में सैलरी इसका आता है, इन हैंड सैलरी। तो मान के चलिए कि बहुत ही बेहतर जॉब है कि स्टार्टिंग सैलरी अगर 40-42,000 है तो मान के चलिए कि बहुत ज्यादा है और स्टार्टिंग में इतना है, तो आगे चल के और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सैलरी भी अच्छा है, जॉब प्रोफाइल भी अच्छा है, आपका रुतबा भी बना रहता है क्योंकि आपके कंधे पे डबल स्टार है, जो भी देखेगा तो आपको एक बार सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो जॉब में और क्या चाहिए? कहा जाता है ना कि जॉब ऐसा हो कि नौकरी करने का मन करे और घर ऐसा हो कि घर जाने का मन करे, ठीक है? तो नौकरी तो ऐसा है कि आपको जॉब करने का मन करेगा क्योंकि आप में आपका इसमें रुतबा रहता है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है और मजे के साथ आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो आइए इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको एक एक चीजें हम बताएंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर वन, पहले पेपर वन होगा, पेपर वन का पूरे डिटेल बताएंगे आपको क्या क्या होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको पीएसटी बोल सकते हैं, या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जब पीएसटी और पीईटी का बात आया तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका हाइट 170 से ज्यादा नहीं है, 170 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, कम है, तो फिर आप इसका तैयारी ना करें, क्योंकि इसमें हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसलिए आप 170 सेंटीमीटर के हैं तभी जी इस जॉब का तैयारी करें, वरना इसको छोड़ दें। इसके बराबर में ही जो इसका सिलेबस रहता है, जो इसका लेवल एग्जाम का रहता है, वही सीजीएल का रहता है, सीएचएसएल का रहता है, उसके तरफ मूव कर सकते हैं, उसमें हाइट का कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप जब पीटी या पीएसटी जो हो गया वो आपको क्वालिफाई करने होने के बाद आपका पेपर टू होता है, पेपर टू के बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या आता है, ठीक है? उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इन सब होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट बनेगा और आपके कंधे पे डबल स्टार लग जाएगा। सोचिए जिस दिन आप कंधे पे डबल स्टार लगा करके और एसआई का कैप लगा करके घर आते हैं तो कैसा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे आजिए, बहुत मजा आता है, फीलिंग को हम बयां नहीं कर सकते इस फीलिंग को। तो यहाँ पेपर वन के बारे में जानेंगे कि पेपर वन में क्या क्या आता है, एक एक सब्जेक्ट वाइज भी जानेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्या क्या वेटेज है किस चैप्टर का, हर एक चीज आपको बताएंगे। जैसे कि पेपर वन जो होगा तो आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका जीके बोलिए, जनरल अवेयरनेस बोलिए, जिसमें से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। उसी प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ जो होगा आपका वो भी 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के आपका पेपर होगा। यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए। अब पेपर वन के बारे में जानने से पहले हम आपको पेपर टू में बता दें कि पेपर टू में क्या होगा। तो पेपर टू में आपका इंग्लिश केवल आता है, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे और ये भी 2 घंटे का ही होता है। पेपर का कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि सीपीओ का तैयारी करने के लिए आपको बढ़िया फिजिकल का भी तैयारी करना पड़ता है। तो इस पेपर में वही लोग होते हैं जो कि हर तरह से एवरेज में रहते हैं, सीजीएल वाले कम ही इसमें कोशिश करते हैं क्योंकि उनका
फिजिकल तैयार नहीं रहता है। तो अगर आप इसमें जाने का सोच रहे थे, एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, अभी हाल फिलहाल में फॉर्म आया भी था, आप डाले भी होंगे और हर साल आता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम रीजनिंग के एक एक टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये रीजनिंग का सारे टॉपिक हमने लगा दिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, वाटर एंड मिरर इमेज हो गया, आपका एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। बाकी टॉपिक है, कहीं से भी इधर उधर से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि यही 5 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे या 10 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इनका वेटेज क्या है वो भी हम वेटेज के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे आपको आइए बता देते हैं कि इनका वेटेज क्या है। तो जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3 से 5 क्वेश्चन होता है। अब वेटेज में आप देख रहे होंगे कि इतने सारे ही टॉपिक है, तो धैर्य रखिएगा। अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट से आपका 3 से 5 क्वेश्चन रह सकता है। वेन डायग्राम से अभी हमने बताया कि वेन डायग्राम इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वेन डायग्राम से आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, एक डायग्राम देता है और उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसी प्रकार से ऑर्डर रैंकिंग हो गया, रैंकिंग जिसको आप बोलते हैं, वो आपका 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। मिसिंग नंबर जिसको सीरीज भी बोल सकते हैं आप, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 1 से 3 क्वेश्चन, और पजल जो आप देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन। तो पजल में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, स्पेशल पजल कोई टॉपिक नहीं होता, पजल में बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ये सब पजल वे में ही आते हैं। तो यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन हो जाता है। डाटा सफिशियंसी से 5 से 7 क्वेश्चन, नॉन वर्बल जो रीजनिंग होता है, जो फिगर वाला रीजनिंग होता है, उससे आपका 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारा टॉपिक आ जाता है, जिससे 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और आपका सीरीज जो है इससे 3 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो वेटेज में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही कम टॉपिक है और इसी से ज्यादा है। तो आप जैसे कि वेन डायग्राम अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे। पजल में भी आप ब्लड रिलेशन है और सिटिंग अरेंजमेंट है, तो कोई बैंकिंग लेवल का नहीं आता है, नॉर्मल लेवल का ही आता है, तो आप आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैथ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैथ में भी इतने सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपके, इतने सारे टॉपिक होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सर्च एंड इंडाइसेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड, वोट एंड एस्टीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब इनका वेटेज के बारे में बात कर ले कि इनका वेटेज क्या होता है, तो आइए फटाफट इनका वेटेज आपको दिखाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर वेटेज में तो बहुत कम टॉपिक है, वहां पे सिलेबस में तो इतने सारे टॉपिक बता दिए, तो आपको हम बता दें कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बस एक ही टॉपिक है, ठीक है। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जो है उसी का टॉपिक ट्रेन भी है और उसी का टॉपिक बोट एंड एस्टीम है। तो 3 टॉपिक को इकलौता नाम दे दिया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क में भी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सस्टर्न दोनों आ जाता है। तो यहाँ से आपका 2 टॉपिक का इकलौता एक नाम दे दिया। यहाँ से और भी देखेंगे आप तो त्रिकोणमिति दे दिया, तो त्रिकोणमिति में ही आपका हाइट एंड डिस्टेंस आता है। हाइट एंड डिस्टेंस कोई अलग से नहीं है, त्रिकोणमिति का ही टॉपिक हो जाता है, त्रिकोणमिति से ही रिलेट करता है, तो वहां पे हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो बार बार कहते हैं कि नंबर सिस्टम में आपका सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम, एचसीएफ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, सर्च एंड इंडाइसेस है, ये सब नंबर सिस्टम में ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इतने सारे हो जाएंगे आपके मैथ के वेटेज हैं, इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आप देख पाएंगे। प्रॉपर हमने रिसर्च करके लगाया है कि किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, नंबर सिस्टम से भी 1 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन से हो जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, अलजेब्रा से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 4 से 6 क्वेश्चन हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 4 से 5 क्वेश्चन, परसेंटेज से अब डायरेक्ट परसेंटेज से उठा करके क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, एकाध क्वेश्चन ही आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। लेकिन परसेंटेज अर्थमेटिक का ज्ञान होता है, बिना परसेंटेज पढ़े आप बहुत सारा टॉपिक है जिसको समझ ही नहीं पाओगे। अगर परसेंटेज आपका क्लियर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस समझ नहीं सकते हो, डिस्काउंट नहीं समझ सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर के वो इसका परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कर लेता है।
उसी प्रकार से यहाँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे मिला के अप्रोक्स आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और इन्हीं से आराम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बात समझ में आ गया। यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कट ऑफ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जैसा नहीं जाता, इसका कट ऑफ नॉर्मल रहता है, मॉडरेट एवरेज रहता है, जितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दें कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे आजकल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया वो करेंट अफेयर है। उसके बाद आपका इंडिया और इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी आ जाता है। उसके बाद हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, कल्चर के बारे में जानना पड़ेगा, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, और साइंटिफिक रिसर्च एंड अपडेट से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है। अब इसका वेटेज के बारे में जानेंगे कि वेटेज कौन कौन सा है, तो वेटेज आइए दिखाते हैं। तो आपके हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन होंगे? 6 से 7। ज्योग्राफी से 5 से 6, पॉलिटी से आपके 3 से 5, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बुक एंड ऑथर से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आप सोचेंगे कि सर बुक एंड ऑथर तो इतने सारे कहां से याद करते हैं, जो करेंट का बुक होता है उन्हीं से ज्यादा पूछता है। बहुत सारे पुराने पुराने बुक के बारे में आपसे नहीं पूछता है, जो करेंट में अभी हाल 1-2 साल के अंदर जितने भी बुक पब्लिश हुए इन्हीं सबसे पूछ लेता है, 6 महीने के अंदर वाले ही ज्यादा पूछता है। उसके बाद आपका इकोनॉमी से भी क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर से भी 10 से 11 क्वेश्चन रहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेबी का अध्यक्ष कौन है, इवेनो का संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, बहुत सारे ऐसे संगठन है तो इनके बारे में पूछ लेता है कि मुख्यालय कब है, स्थापना कब हुआ है, तो इन सब चीजों के बारे में पूछता है, अध्यक्ष कौन है, और करेंट इवेंट्स, तो करेंट अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आजकल बन ही रह गया है हर एग्जाम का। पहले बैंक में करेंट अफेयर ज्यादा आता था, लेकिन अब हर एग्जाम का करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। ठीक है, यहां से आ जाइए, इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश के बारे में आपके, तो इंग्लिश में आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, ग्रामर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर इसके लिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पे यहाँ पे कम टाइम देंगे तो फिर मेंस में जाके देना ही है, तो फिर क्यों ना यहीं पे दे दे कि यहाँ पे भी नंबर स्कोर कर लेंगे और मेंस में भी पेपर टू में भी नंबर स्कोर हो जाएगा, क्योंकि पेपर वन और पेपर टू दोनों का इंग्लिश का सिलेबस जो होता है करीब करीब सेम है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है। उसके बाद वोकैब आपको बढ़िया कंप्लीट करना पड़ेगा, वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव, पारा, जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एरर करेक्शन, इन सबको आपको प्रॉपर कंप्लीट करना होगा तभी जाकर के इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपका 2 जगह इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश पे ज्यादा टाइम देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, इंग्लिश का वेटेज देख लेते हैं कि वेटेज क्या है इसका। तो टॉपिक का वेटेज आप देख पाएंगे कि इडियम्स जो होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज, कहावत, मुहावरे, वो आपके 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं। एरर डिटेक्शन जो होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। वोकैब जो होता है 5 से 10 क्वेश्चन होता है। वोकैब में आपका वन वर्ड हो जाएगा, इडियम्स हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ये सब आपके वोकैब में ही आ जाते हैं। स्पेलिंग एरर हो जाएगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट भी 5 से 10 क्वेश्चन रहता है, जो क्लोज टेस्ट हम उसको बोलते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स पैराग्राफ दे देता है, उसमें बीच बीच में खाली जगह रहता है, वहां फिल करना होता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया और ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन से 8 से 10 क्वेश्चन, ग्रामर सेक्शन का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, करेक्शन हो गया, जो कॉमन एरर जिसको बोलते हैं, तो उन सब से आपका 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए, पेपर टू में देख लेते हैं। पेपर टू में भी आपका वही रहता है कि एरर रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स यूज करता है वर्ब का, प्रीपोजिशन का, आर्टिकल्स का, बहुत सारे और भी चीज है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, साइनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीटेशन हो जाएगा, जो सेंटेंस को पूरा करना होता है, फ्रेज एंड इडियम्स हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। इन सब से मिला के आपके 200 क्वेश्चन होंगे पेपर टू में और 200 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे आपको हम पूरा बता दिए कि एसएससी सीपीओ का सिलेबस क्या होता है, अब आप इसका तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले सिलेबस जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सिलेबस जान लिए, सिलेबस को ऑब्जर्व कीजिए, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे करके एक एक चीज को कंप्लीट कीजिए और तब जाके एग्जाम में बैठेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। बात समझ में आ गया। और एसएससी सीपीयू जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल का जॉब है, आपके कंधे पे सीधा डबल स्टार लगना बहुत ही मैटर करता है। जिस दिन आप डबल स्टार लगा के घर में, गाँव में, मोहल्ले में आते हैं तो आपके पापा जो है उनका सीना चौड़ा हो जाता है और गाँव के लोग को देखने का नजरिया बदल जाता है, अब वो आपसे रिस्पेक्ट से बात करने लगते हैं। वैसे तो आज की डेट में ग्रुप डी में भी आप ज्वाइन कर लेते हो तो लोगों को देखने का नजरिया बदल जा रहा है, तो सोचो कि तो डबल स्टार है सीधा,
उससे बहुत ही पावरफुल है, तो लोगों का देखने का नजरिया तो बदल ही जाएगा, बात करने का स्टाइल भी बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप सीपीयू एसएससी सीपीयू का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक, सिलेक्शन लीजिए, और सिलेक्शन लेने के बाद इस वीडियो पे आके एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस लेकर के। अगर आपको कोई और चाहिए स्पेशल तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि किसका सिलेबस प्रॉपर हम बता दें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जानकारी लेकर के, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।